इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है। द इंडियन समाचार के हवाले से बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां मोहम्मदी कस्बे के मोहल्ला सरैया के बेरेंट्री पब्लिक स्कूल के निकट तालाब में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, जिसके बाद शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। हड़कंप के बाद पुलिस मौके पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो भी तथ्य है वो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ पाएंगे। तो फिलहाल इस पूरी घटना पर हमारे साथ लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता तौहीद खान हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। तौहीद, सुन पा रहे हैं हमें? जी जी मैडम। तौहीद, ये जो पूरी मामला है, जो ये स्कूल के निकट जो तालाब है उसमें अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, क्या है पूरा मामला? मैडम, ये है कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी में की कोतवाली मोहम्मदी कस्बे के मोहल्ला सरैया के गांव में है पारिस के स्कूल के पीछे जी निकट तालाब में मिला है आजाद कारों के शव। मिलने से हड़कंप मच चुका है जी जी। जी तौहीद, कैसी थी शव की स्थिति, कैसी थी, क्या क्या लग रहा है शव की जो हालत देखने से, क्या लग रहा है, पुराना हो सकता है या फिर अभी अभी का ही है, क्या लग रहा है शव की हालत कैसी है? बताना चाहूंगा कि हमें यही लग रहा है कि 2-3 दिन का पुराना मामला है ये। मौके पर अभी जब पहुंची पुलिस, उसकी जांच पड़ताल अभी भी कर रही है, इसकी छानबीन चालू है इसकी। तो जो अज्ञात जो शव मिला है उसके कपड़ों से या फिर उसके पास से कुछ कोई सबूत मिला हो जिससे उसकी शिनाख्त हो सके? सबूत अभी कुछ नहीं मिला है, उसको बस तालाब से निकाल के बाहर निकाल दिया गया है और पुलिस इस समय भी जुटी है जांच के अंदर। तो कुछ ऐसा स्पष्ट हो चुका है कि शव पर कोई चोट के निशान की या हत्या हुई हो या फिर कोई ऐसी अप्रिय घटना की आशंका हो? नहीं, अभी पुष्टि कुछ नहीं हुई है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा इसके बाद में। तो कुल मिलाकर जो भी होगा वो पीएम के बाद ही हो पाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया तौहीद हमसे सीधा जुड़ने के लिए। क्या रूल है, कैसे हमको अपनी कार्रवाई करनी है, इस सब के लिए आज पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मचारियों को यहाँ ब्रीफ किया गया जिन लोगों ने मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट किया है। और मॉक ड्रिल का परिणाम बड़ा अच्छा हमें देखने में आया है, क्योंकि जैसे जिस तरीके से वीआईपी सुरक्षा के जो मानक है उनके अनुरूप पूरी ड्रिल की गई है, और इससे उम्मीद है कि हम लोगों की पुलिस फोर्स की सजगता निरंतर बढ़ती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।